सही जी, क्वेश्चन नंबर फोर पे देखते हैं, विच इज रिकॉर्डेड इन अ सेल्स लेजर। लेजर क्या होता है बेटा? लेजर एक बुक होती है जिसमें आते हैं टी अकाउंट्स। देर आर ओनली थ्री बुक्स फॉर टी अकाउंट्स, एक है सेल्स लेजर, एक है परचेज लेजर और तीसरा है जर्नल लेजर। सेल्स लेजर में किसके टी अकाउंट्स होते हैं? कस्टमर के। परचेज लेजर में किसके टी अकाउंट्स होते हैं? सप्लायर के। उसके अलावा जितने भी टी अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ होते हैं? जर्नल लेजर में। तो सेल्स लेजर में कस्टमर के मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी सबके टी अकाउंट्स, परचेज लेजर में सारे सप्लायर के टी अकाउंट्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, उसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं वो कहाँ होंगे? जर्नल लेजर। अब हमें बताना है सेल लेजर, कैश सेल की क्या एंट्री बनती है? कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अगर आप देखें कैश डेबिट सेल क्रेडिट, तो कैश और सेल्स के अकाउंट जनरल लेजर में होते हैं, सेल लेजर में नहीं होते। सेल लेजर में सिर्फ और सिर्फ डेटर के अकाउंट्स होते हैं। चेक पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर किधर होगा? क्रेडिटर होगा परचेज लेजर में। उसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, ये वाला होगा, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर जो होगा वो होगा सेल लेजर, सी आंसर है। और फिक्स एसेट जब हम बेचते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं नॉन करंट एसेट क्रेडिट, मोटर व्हीकल वगैरह क्रेडिट, और बैंक या जो है वो बैंक नॉर्मली इसमें डेबिट होता है। तो सेल्स लेजर में सिर्फ हम जब स्टॉक बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं तो वो आता है, और चीज़ें इसके अलावा नहीं आती। तो आंसर बन गया इसका